नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से विमल कुमार के YouTube चैनल पे आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं एक बार फिर से खास रिपोर्ट लेकर आया हूं, और वो खिलाड़ी खास है। जी हाँ, इस खिलाड़ी के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूं, लेकिन इस खिलाड़ी ने न सिर्फ अपने बल्ले से तहलका मचाता है, मौके पे चौका लगाता है, बल्कि अपने रवैये से भी लोगों का दिल जीतता है। मैंने आपको बताया था कि कैसे संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज़ में मेरा दिल जीता और किस तरह से उन्होंने फ़ैन बनाया, उनकी सादगी, उनकी मासूमियत। और आज जब यहाँ पर शनिवार को उन्होंने एक शानदार पारी खेली, उम्दा पारी खेली, तो लगातार डिमांड हो रही थी संजू संजू संजू। केरला से भी कुछ लोग थे, बाहर से भी लगते लगातार संजू सैमसन की आवाज़ दे रहे थे, और संजू सैमसन ने किसी को मायूस नहीं किया। संजू सैमसन आए और फिर से उन्होंने वही नज़ारा पेश किया जो हम अब आदत हो गई हम लोग देखने के। लेकिन जो एक जिस तरह से वो उन्होंने इंटरेक्ट किया, जिस तरह से लोगों से मिले, वक्त दिया, और जो मासूमियत थी उनके चेहरे पे, वो अच्छा लगा। और उन्होंने एक तरह से देखा जाए ना सिर्फ अपनी पारी से दिल जीता, बल्कि पारी खेलने के बाद जब वो मैदान पर जिस तरह से उन्होंने भारतीय दर्शकों के साथ बिहेवियर किया, वो भी काफ़ी काबिले तारीफ रहा। देख सकते हैं मैच बहुत देर पहले खत्म हो चुका है, लेकिन संगीत का माहौल चल रहा है और यहाँ पर लोग पार्टी कर रहे हैं। भले उनकी टीम जीती हो हारी, उनसे उनको फर्क नहीं पड़ता है। सेम वेस्ट इंडीज वाला कल्चर है, पार्टी का बहाना मिलना चाहिए, क्रिकेट के बहाने पार्टी हो। लेकिन पार्टी जो है असल में देखा जाए भारतीय फैंस के लिए भारतीय खिलाड़ियों ने कराई। और यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा संजू सैमसन का। जी हाँ, संजू सैमसन वैसे ही बहुत लोकप्रिय खिलाड़ी हैं और उनको यहाँ पर बाहर में बहुत ज़्यादा समर्थन मिलता है, और आज यही चीज़ देखने को मिली। संजू सैमसन से तो कई लोगों ने उनसे ऑटोग्राफ लिए, फोटोग्राफ खिंचाए, तो मैंने भी सोचा कि कुछ लोगों से बात कर लूं। पहले अब आपको सुनाते हैं जो कुछ इंडियंस जो थे, जो इंडियंस जो भारतीय दर्शक थे, बच्चे थे खासकर, जिन्होंने फोटो खिंचाए अपने टी शर्ट पे लिखा है, उनके पहले कमेंट सुन लेते हैं उन लोगों को क्या कहा, उसके बाद फिर मैं आपको आगे आगे कभी बताता हूँ। लिया ऑटोग्राफ, बताओ कैसा लगा? आप भी मिले संजू सैमसन से, क्या क्या बात की? बस ऐसे ही आया था। इट वॉज वेरी नाइस टू मीट हिम, वेरी नाइस, जेन्युइन गुड पर्सन। Is it easier in Zimbabwe to meet your cricketers? I think it is, because if we were in India, I think it would have been a bit harder. So I think it's a bit easier.
कुछ कहा आप लोगों को? सेल्फी ली संजू भाई, संजू भाई, संजू भाई, पारी खेली, जहां से एक बार फिर उन्होंने भरोसा दिया कि मिडिल ऑर्डर में अगर संकट के हालात में वो गंभीरता वाली पारी खेल सकते। बड़ी पारी नहीं थी लेकिन इस पारी ने बड़ी छाप छोड़ी। लेकिन उस पारी को खेलने के बाद संजू सैमसन ने जिस तरह से अपने चाहने वालों का मनोरंजन किया, जिस तरह से उनके साथ वक्त बिताया, ये बात भी बहुत लोगों को याद रहेगी। तो संजू सैमसन के बाद हम कुछ और फैंस के पास गए। लेकिन इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, इंडिया टीम जीतेगा इस बार, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को यहाँ आके। जब नेपाल और इंडिया खेलेगा तब किसको सपोर्ट करेंगे? अब नेपाल का तो अभी टीम अभी सक्सेस नहीं हुआ है। क्यों? वो तो प्लेयर जो भी आईपीएल में भी, अब जो भी सक्सेस होगा प्लेयर तो प्लेयर ही रहेगा भाई साहब। हम जो भी जीतेगा उसको सपोर्ट करेंगे, बस वही है भाई। अरे आप तो ईशान किशन के जबरा फैन, मिल लिए, इंटरव्यू ले लिया, अब क्या बची इच्छा? नहीं, मैंने बोला था तीनों मैच देखूंगा, पहला भी देखा, ये दूसरा मैच, और मंडे को भी आऊंगा मैच देखने। और अभी तो ईशान बैटिंग कर रहा है, ईशान तो सर हम फुल्ली सपोर्ट करते हैं, वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा प्लेयर भी है। मैं सब इंडियन टीम को बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करता हूँ सर। मैं नेपाल से केशव भंडारी बोल रहा हूँ, मेरा चंगजा चापाकोट है मेरा एड्रेस। बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके मेरे फ्रेंड के साथ, इंडिया जीतेगा वो इंशाल्लाह। तो यहाँ सेंचुरियन में देखने का क्या मजा है? यहाँ और पास से देख सकते हैं, खाने पीने की व्यवस्था है, खा सकते हैं, पी सकते हैं, हर चीज यहाँ पे, और काफी नजदीक से हम लोग देख सकते हैं। जी सर, बहुत नजदीक है, यहाँ से प्लेयर को हूबहू देख सकते हैं, और यहाँ खाना अवेलेबल है, पीना पानी जो भी चाहिए सब अवेलेबल है सर। थैंक यू। आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? हाँ जी, मैं बॉम्बे से हूँ, इंडिया को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। अच्छा, ठीक है, थैंक यू।